चनापुर जिले के गोंडपिपरी तहसील में स्थित धाबा गांव में जिले की पहली स्कूल खोली गई थी। 140 वर्ष पहले ब्रिटिश अधिकारी ने शुरू की यह स्कूल जिला परिषद निर्लेखी करने वाली थी। यह स्कूल बचाने के लिए स्कूल के आजी माजी विद्यार्थियों ने एक साथ आकर सावित्रीबाई फुले जयंती मौके पर भावनिक कदम उठाते स्कूल में सावित्रीबाई को मानवंदना दी। चंद्रपुर जिले के गोंडपिपरी तहसील के धाबा गांव में जिले की पहली लड़कियों की स्कूल धूप बरसात झेलकर भी स्वयं का अस्तित्व टिकाए हुए है। मध्य भारत में गोंड राजशाही और बाद में भोसले शासन के बाद ब्रिटिश ने अपने प्रशासकीय सुविधा के लिए विविध विभाग की निर्मित की। दक्षिण भारत में जाने का मार्ग यानी चांदा मुल्क, इस मुल्क में ब्रिटिश ने अनेक धरोहर की निर्मित की। उसी में से धाबा इस छोटे से गाँव में लड़कियों की पहली स्कूल शुरू की। 1879 में इस स्कूल की शुरुआत हुई और अंग्रेज अधिकारी कर्नल लुइस ने 1888 में इसका निर्माण किया। चंद्रपुर जिले के पुरानी दस्तावेज में इस स्कूल के उपक्रम का उल्लेख है। केवल लड़कियों की शिक्षा के लिए यह स्कूल शुरू की गई थी। स्कूल के परिसर में कई इमारत खड़े हैं, लेकिन यह पुरानी धरोहर जैसी थी वैसे ही है। चंद्रपुर जिला परिषद ने यह ऐतिहासिक इमारत तोड़ने का निर्णय लिया, जिससे आजी माजी विद्यार्थी और इतिहास अभ्यासकों में अस्वस्थता निर्माण हुई। जिला परिषद को ग्राम पंचायत ने स्कूल संरक्षण करने का प्रस्ताव पारित किया। 3 दिसंबर स्त्री शिक्षा के लिए लड़ने वाली सावित्रीबाई फुले, इनके जयंती पर आजी माजी विद्यार्थियों ने इसी स्कूल में सावित्रीबाई फुले इन्हें मान वंदना देते प्रशासन को अपना निर्णय बताया। हजारों विद्यार्थी इस स्कूल में फिर से आकर अपनी पुरानी यादों के साथ खो गए। यह स्कूल गिराई नहीं जाएगी, इस बारे में उन्होंने रोष व्यक्त किया। सर्वप्रथम आमच्याकडे निर्लेखित करासाठीच प्रस्ताव आला होता आणि आम्ही त्यासाठी पुढाकार घेऊन जिल्हा परिषदेला तशी मागणी घातली होती दुरुस्तीसाठी, निर्लेखित करण्यासाठी, आणि मंजुरी मिळाली। परंतु जेव्हा हा ऐतिहासिक वारसा म्हणून आपल्याला माहिती मिळाली आहे, तेव्हापासून आपण ऐतिहासिक वारसा जोपासण्यासाठी प्रयत्नशील असून ग्रामपंचायतने ठरावसुद्धा घेतला आहे की ऐतिहासिक वारसा जपून ठेवा, म्हणून आम्ही त्याला दुरुस्ती करून त्याला एक नवे रूप देण्याचा प्रयत्न करू। 61-1964 या शाळेत वर्ग 1 ते 4 शिक्षण घेतलेलं आहे। त्या काळापासून, त्या काळात 1 ते 7 असं इथे विद्यार्थी शिक्षण घेत होते आणि ही जिल्हा परिषदनी जो सांग म्हटलेलं आहे की बा ही वस्तू निर्लेखित करून दुसरी बांधावी, माझं असं म्हणणं आहे, परिसरातील जनतेचंसुद्धा विद्यार्थ्यांचं असं म्हणणं आहे की बा ही शाळा निर्लेखित करू नये। जर समजा शाळा बांधायची असेल तर दुसऱ्या ठिकाणी बांधावी। याच परिसरामध्ये ग्रामपंचायतीनीसुद्धा ठराव घेतलेला आहे आणि इथले रोशन झाडे वार्ताहर त्यांनीसुद्धा निर्लेखित करू नये म्हणून त्यांनी संदर्भ म्हणजे आपल्या पेपरमध्येसुद्धा माहिती दिलेली आहे। या शाळेतून अनेक विद्यार्थी घडलेले आहेत, चांगल्या पदावर गेलेले आहेत, डॉक्टर्स आहेत, इंजिनियर्स आहेत, वकील आहेत आणि शेतकरी आहेत, चांगले उत्कृष्ट शेतकरी आहेत। म्हणून ही शाळा या शाळेत आल्याबरोबर मला जुन्या आठवणी जागृत झालेल्या आहे, त्यामुळे माझी शासनाला अशी विनंती आहे की त्यांनी ही शाळा निर्लेखित न करता शाळेची बिल्डिंग इतर दुसऱ्या ठिकाणी बांधून आणि शासनाला अशी माझी विनंती आहे। धाबा की यह इमारत केवल इमारत नहीं तो इस इलाके की स्त्री शिक्षा की अमूल्य याद है। जिला परिषद ने आजी माजी विद्यार्थियों ने सीधे सावित्रीबाई फुले जयंती दिन पर उठाया यह कदम, इशारा समझकर यह धरोहर संरक्षित करने की जरूरत है।